कैसा कौन सा फैट का ग्लोब्यूल है जो कि होमोजेनाइज नहीं होगा। तो जिस फैट का साइज 2 माइक्रोमीटर होगा, जिस फैट का डायमीटर 2 माइक्रोमीटर होगा, वो फैट होमोजेनाइज नहीं होगा। गाइस वेलकम बैक टू क्रेजी ट्यूटर, दिस इज नीलेश देशमुख दिस साइड एंड यू आर वॉचिंग क्रेजी ट्यूटर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क। पहले हम पढ़ चुके हैं कि मिल्क क्या होता है, मिल्क का डेफिनेशन, मिल्क का कंपोजिशन, ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मिल्क के फैट का क्या स्टोरी है। मिल्क फैट भी हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन जो है ये मिल्क के प्रोसेसिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भी मिल्क हम प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हमको होमोजेनाइजेशन करना पड़ता है, और होमोजेनाइजेशन से हमें बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम समझते हैं। पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि होमोजेनाइजेशन क्या होता है। बहुत ही बेसिक सी बात है, हम बहुत ही अपने इनिशियल स्टेज में, इनिशियल डेज में, हमने 6, 7, 8 वगैरह में हम पढ़े हुए होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि एक जैसे जीन से मिलकर के बना हुआ हो, एक जैसे सामान से मिलकर बना हुआ हो। अगर जैसे कि हम दाल ले लें, जैसे किसी भी चीज़ का दाल ले लें, तो दाल के अंदर जो होता है सिर्फ और सिर्फ, जैसे चना का दाल अगर हम लेते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चना का टुकड़ा मिलता है। तो चना का दाल जो होगा वो कैसा मिक्सचर हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, बेस्ड ऑन चना नाम के बेसिस पे होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। फिर अगर हम साइज के बेसिस पे देखेंगे तो चना का दाल भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि चना के दाल के सारे साइज एक जैसे नहीं होंगे, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई थोड़ा टूटा सा होगा, किसी का टूटा सा हिस्सा होगा। तो नाम के बेसिस पर दाल जो हो गया वो कैसा हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। उसी तरह दालमोठ, जैसे कि जो मिक्सचर हम खाते हैं दालमोठ, वो जो होता है वो कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें दाल भी रहता है और वो उसके अंदर और भी डिफरेंट जैसे भुंजिया भी रहता है, मसाला भी रहता है, तेल भी रहता है, डिफरेंट चीज़ पाए जाते हैं उसके अंदर। तो इसलिए वो कैसा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो जब किसी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को किस में कन्वर्ट करते हैं? हम होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं होमोजीनाइजेशन। ये होता है कैसे? एक्चुअल में क्या होता है कि मिल्क जो होता है, मिल्क का साइज 0.2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में वैरी करता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 9, 0.2, 0.1 कुछ भी हो सकता है, सॉरी 0.1 नहीं हो सकता है, 0.2 से ऊपर 10 माइक्रोमीटर के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो अब जब साइज अलग अलग होगा तो वो मिक्सचर कैसा हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अब हेट्रोजीनियस का नुकसान क्या होता था? चूंकि मिल्क फैट का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो कम होता है, डेंसिटी भी कम होता है मिल्क फैट का। तो जब दोनों चीज़ कम होगा तो ये जो है सरफेस कर जाएगा, यानी अगर इसको हम रखेंगे किसी चीज़ में, इसका जो इमल्सन होता है वो ऑयल इन फैट इमल्सन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तेल में फैट गिरा हुआ है, ठीक है? तो इमल्सन जो होता है वो ऑयल इन फैट होता है। तो जब इसका डेंसिटी कम होता है तो ये मिल्क जो होता है, लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है, जिसका 8 माइक्रोमीटर, 9 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर इस साइज़ का जो वैल्यू जो होता है वो ऊपर चला आता है, सरफेस पर चला आता है। और जब सरफेस पर चलाता है तो एक लाइन बनाता है जिसको बोलते हैं क्रीम लाइन। तो इस ये जो है हमें नुकसान देता है। इससे क्या होता है कि बड़ा साइज का जो फैट होता है वो किसी पार्टिकुलर, मतलब जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो अगर हम सेपरेट करेंगे तो बड़ा साइज का फैट एक तरफ हो जाएगा, छोटा साइज का फैट एक तरफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें नुकसान होता है कि बड़ा साइज के फैट में फैट का कंसिस्टेंसी वैरी कर जाता है। फैट के कंसिस्टेंसी को एक जैसा बनाने के लिए अब हम क्या कोशिश करते हैं कि सारे फैट के साइज, मॉलिक्यूल के साइज एक जैसा हो जाए। जब सारे फैट का, मॉलिक्यूल का साइज एक जैसा होगा तो फिर ये सरफेसिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और जब सरफेसिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं मिल्क को, तो हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारे आदमी को, सारे व्यक्ति को जो मिल्क मिलेगा उसमें फैट का जो साइज होगा वो सेम होगा। कि बोले तो सारे मॉलिक्यूल का जो फैट का साइज होगा वो सेम हो जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल के फैट का साइज सेम हो जाएगा तो वैसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। जो फैट का मॉलिक्यूल होगा उसका साइज आफ्टर होमोजीनाइजेशन क्या हो जाता है? 2 माइक्रोमीटर हो जाता है। अब ये 2 माइक्रोमीटर होता है कैसे है? ये हम समझते हैं, 2 माइक्रोमीटर कैसे हो जाता है, साइज घट कैसे जाता है। तो हम क्या करते हैं ना कि मिल्क को एक कंटेनर में जमा करते हैं और उस कंटेनर में होल किया जाता है, जिस होल का PSI जो है 2500 हो सकता है या फिर 500 हो सकता है। अब PSI क्या होता है? PSI होता है पर स्क्वायर इंच, ये होता है PSI। तो ये PSI 2 हो सकता है, या तो 500 होगा या फिर 2500 होगा।
तो जब हम मिल्क को होमोजेनाइज करते हैं, जब मिल्क को इस होल से हम पास करवाते हैं, तो मिल्क का फैट जो होता है, जो बड़ा फैट होगा, वो इसके जरिए पास नहीं कर पाएगा। तो चूंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से इसको पास करना पड़ता है इसे। जब ये इससे पास करता है तो ये मॉलिक्यूल जो होता है ये ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाता है। अच्छा, होमोजेनाइजेशन से पहले इस फैट के ऊपर जो लेयर था वो लेयर किसका था? प्रोटीन का लेयर था। होमोजेनाइजेशन के बाद ओरिजिनल मटेरियल का लेयर नहीं रह जाता है, इसके ऊपर जो लेयर बन जाता है वो कैसीन का लेयर बन जाता है या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का लेयर बन जाता है। ओरिजिनल मटेरियल का लेयर नहीं रहता है इसके ऊपर। और ये लेयर जो बनता है वो क्यों बनता है? एडजॉर्प्शन के वजह से बनता है, एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है जब किसी भी सरफेस पे हम किसी गैस को बैठाएंगे, जैसे सॉलिड पे अगर हम गैस को बैठाएंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना होता है, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फेनोमेना होता है। ये इसको सरफेस से कोई मतलब नहीं है, ये कहीं से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये एडजॉर्प्शन के वजह से इसके ऊपर जो है कैसीन प्रोटीन आ जाता है। तो अभी क्या हुआ, दो चीज़ बदलाव हुआ इसके अंदर। एक तो पहला बात तो ये कि प्रोटीन का जो ओरिजिनल मटेरियल था वो अब इसके ऊपर नहीं रहा। दूसरा बदलाव क्या आया? तीन बदलाव। पहला बात तो ये, दूसरा बात क्या हुआ कि इसका साइज सबका कितना हो गया? 2 माइक्रोमीटर हो गया। तीसरा बदलाव क्या आया? किसका नंबर बढ़ गया। चौथा बदलाव क्या आया? इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अभी अगर एक फैट मॉलिक्यूल था तो अब 4 में बदल गया, 5 में बदल गया, 6 में बदल गया, या 2 में बदल गया, या फिर एक था तो एक भी रह सकता है। अगर किसी का साइज 2 माइक्रोमीटर होगा किसी फैट ग्लोब्यूल का, तो वो इससे क्लियरली पास कर जाएगा, और पास करने के बाद भी वो 2 माइक्रोमीटर ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा फैट का ग्लोब्यूल है जो कि होमोजेनाइज नहीं होगा। तो जिस फैट का साइज 2 माइक्रोमीटर होगा, जिस फैट का डायमीटर 2 माइक्रोमीटर होगा, वो फैट होमोजेनाइज नहीं होगा। होमोजेनाइज होने के लिए 2 माइक्रोमीटर के अलावा कोई भी साइज अगर उसका होगा तो वो होमोजेनाइज होएगा, ठीक है। तो नंबर बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब क्या होता है, हम ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं, नंबर और सरफेस एरिया पे इतना फोकस क्यों किया हमने, मैंने वो इसका ये वजह है कि जो नंबर बढ़ जाता है जब, तो पहले क्या था, बड़ा मॉलिक्यूल था फैट का। जब बड़ा मॉलिक्यूल था इस पर लिपिड का एक्शन, लाइपेज एंजाइम का एक्शन मुश्किल था, डिफिकल्ट था। लाइपेज एंजाइम उतना प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रहा था इसके ऊपर। पहले साइज बड़ा था है ना फैट का, ग्लोब्यूल का। आफ्टर होमोजेनाइजेशन क्या हो जाता है? आफ्टर होमोजेनाइजेशन फैट के मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो जाता है। जब साइज छोटा हो जाएगा तो अब क्या है, लिपिड सरफेस एरिया इसका बढ़ गया। सरफेस एरिया इसका क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब लाइपेज एंजाइम जो है बहुत ही इजीली इसके ऊपर एक्ट कर सकता है। जब इसके ऊपर ढेर सारा लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा तो पॉसिबल है कि लिपिड जो है, ये फैट जो है, वो लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में, किस में बदल जाए? ग्लिसरीड्स में बदल जाए, यानी अपने स्मॉल यूनिट्स में बदल जाए। अगर ऐसा हो जाता है कि फैट ग्लिसरीड्स में बदल जाता है तो हमारा सारा का सारा किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा, यानी जो हमने होमोजेनाइजेशन किया ये सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। यानी अब हमारे पास जो फैट मॉलिक्यूल हुआ उसमें तो ग्लिसरीड्स हो गया, फैट रहा ही नहीं, फैट तो ब्रेक डाउन कर गया। तो हमको क्या करना होता है, लिपोलाइसिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू द होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन करने के बाद हमको सबसे ज़्यादा डर रहता है कि उस मिल्क का लिपोलाइसिस हो सकता है, और अगर उस मिल्क का लिपोलाइसिस हो गया तो मिल्क बर्बाद हो जाएगा, उसमें फैट नहीं रहेगा, यानी फैट नहीं रहेगा तो फ्लेवर नहीं रहेगा, और जब फ्लेवर नहीं रहेगा तो उस मिल्क का किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फ्लेवर के सेंस में। जैसे अगर हम चीज़ भी बटाएंगे उस मिल्क का तो उस मिल्क में फ्लेवर नहीं रहेगा, अगर बटर भी बनाएंगे तो उस मिल्क में फ्लेवर नहीं रहेगा, तो फ्लेवर लेस हो जाएगा। तो फ्लेवर रखने के लिए हमको फैट को रखना पड़ता है, तो फैट रखने के लिए हमको लिपोलाइसिस से बचाना पड़ेगा। लिपोलाइसिस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम मिल्क को इस कंटेनर से पास करवा रहे होते हैं तो पास करवाने से पहले मिल्क को क्या करते हैं, हम वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म जो करते हैं वो प्री हीट करते हैं, प्री हीट टू पास्टुराइजेशन। पास्टुराइजेशन टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर तक प्री हीट करते हैं इसको हम, और उसके बाद इसको पास करवा देते हैं। अब इससे क्या होता है, वार्म करने से क्या होता है, वार्म करने से दो बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट क्या होता है हमको कि इसका जितना भी माइक्रोब्स होता है वो सारा का सारा डीएक्टिवेट हो जाता है या फिर मर जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि लाइपेज एंजाइम जितना भी होता है वो एंजाइम टेम्परेचर के बेसिस पर एक्ट करता है। अगर टेम्परेचर घट बढ़ जाएगा तो एंजाइम को एक्शन में आने में प्रॉब्लम होगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो लाइपेज एंजाइम जो हो जाता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। जब एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया तो अब
इसके एक्ट करने का चांस घट जाता है। तो अब ये फैट ग्लोब्यूल पे, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल पर भी एक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इनएक्टिव हो चुका है। तो जब लाइपेज को हम इनएक्टिव कर देते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसके अंदर जब लाइपेज को इनएक्टिव कर देते हैं हम, तो हम लाइपोलाइसिस से बच जाते हैं। तो लाइपोलाइसिस से बचने का, होमोजेनाइजर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? लाइपोलाइसिस। उससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या? हम मिल्क को वार्म करते हैं या फिर स्किम मिल्क को, स्किम मिल्क को हम कंटेनर से पास करवाएंगे। स्किम मिल्क क्या होता है? मिल्क माइनस फैट। जो फैट को हम निकाल लेते हैं, फैट को जब हम निकाल लेते हैं, जैसे ये मिल्क है, मिल्क को छोड़ दिए हम थोड़ा देर, इसके ऊपर जो लेयरिंग होगा, जो क्रीम लाइन होगा, इसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद इस मिल्क को हम पास करवाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जितना भी बड़ा साइज का फैट होगा ये सब छट जाएगा, अब सिर्फ इसमें छोटा साइज का फैट रह जाएगा। तो छोटा साइज का जब फैट रह जाएगा तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं है। जब मिल्क होमोजेनाइज्ड हो गया, तो होमोजेनाइजेशन से हमको दो फायदा हुआ, दो तीन फायदा हुआ। पहला प्रिंसिपल जो है होमोजेनाइजेशन का, वो तो ये है कि फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं उसके साइज को होमोजेनाइज करना। द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन, मेकिंग ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ फैट ग्लोब्यूल, होमोजेनाइज करना है ना, इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? होमोजेनाइज करना, इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ फैट ग्लोब्यूल इज नोन एज होमोजीनाइजेशन। और फैट ग्लोब्यूल का जो डायमीटर होता है वो 2 माइक्रोमीटर होता है, ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है? इमल्सन जो है, उस इमल्सन का स्टेबिलाइजेशन हो जाता है, इमल्सन का स्टेबिलाइजेशन हो जाता है। यानी जो इमल्सन पहले बना हुआ था ऑयल इन फैट, ऑयल इन फैट, अभी क्या होता था कि ऑयल में जो फैट था वो फैट सरफेस पे चलाता था। अब जब हम होमोजेनाइज कर दिए तो अब ये सरफेस पे आने का प्रॉब्लम खत्म हो गया। जब सरफेस पे आने का प्रॉब्लम खत्म हो गया तो जो इमल्सन था वो कैसा हो गया? अब पहले के कंपैरिजन में स्टेबल हो गया। अभी अगला स्टेप क्या है? ये तो हुआ दो प्रिंसिपल, दो बेनिफिट हुआ हमको। अभी क्या होता है कि अब जो होमोजेनाइज मिल्क होता है उसका फ्लेवर काफ़ी ब्लेंड होता है, यानी बहुत ही टेस्टी लगता है वो खाने, टेस्टी लगता है खाने में ना। तो अब अगर होमोजेनाइज मिल्क से इसका एपियरेंस भी जो होता है वो काफ़ी वाइटर होता है। इसका रीज़न भी हम समझाते हैं आपको कि वाइटर एपियरेंस क्यों आता है उसका। जो मिल्क होता है, मिल्क का यूजुअली काउ मिल्क का जो एपियरेंस होता है वो ये हल्का येलोइस होता है, लाइट येलोइस होता है, वो इसके वजह से होता है। उसमें पहला रीज़न तो ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कैरोटीन प्रेजेंट होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम होता है राइबोफ्लेविन, फ्लेविन का मतलब भी होता है येल्लो। तो ये दो ये राइबोफ्लेविन प्रोटीन बोल लीजिए या फिर कैरोटीन पिगमेंट बोल लीजिए, इन दोनों के वजह से जो मिल्क का जो लुक होता है वो येल्लोइश होता है। तो इस येल्लोइश लुक को हम किस में बदल दिए? वाइटर में बदल दिए। क्यों, कैसे बदल दिए? तो ये जो ये विटामिन जो होता है ये क्रश हो जाता है, ये जो कैरोटीन प्रोटीन एंजाइम है ये भी क्रश हो जाता है। तो और दूसरा बात क्या, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? मिल्क के फैट के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि ओरिजिनल मटेरियल का अब मिल्क नहीं रह जाता है, यानी ये जो पिगमेंट थे जो मिल्क फैट के ऊपर जमा था होमोजेनाइजेशन के बाद, मिल्क फैट पर ओरिजिनल मटेरियल नहीं रहता। जब ओरिजिनल मटेरियल नहीं रहता है मिल्क फैट के ऊपर, इसका मतलब है कि उसके ऊपर से जो पिगमेंट के वजह रीजन थोड़ा, जो राइबोफ्लेविन वगैरह था वो सब खत्म हो गया और जो कैरोटीन था वो भी टूट गया। अब इसके ऊपर कैसिन प्रोटीन का लेयरिंग बन जाता है, वो भी एडजॉर्प्शन की वजह से बनता है, जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो इस वजह से जो होता है अपीयरेंस वाइटर हो जाता है, फ्लेवर ब्लेंड हो जाता है। और एक जो बेनिफिट होता है वो ये होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी क्रीमी हो जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है उसका काफ़ी क्रीमियर हो जाता है। ये तीन बेनिफिट होता है अदर देन वो दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन के, ये तीन बेनिफिट होता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम होमोजेनाइज्ड मिल्क का, होमोजेनाइज्ड मिल्क को जब हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कर्ड जो होता है वो कैसा बनेगा? कर्ड क्रिस्टलाइन कर्ड बनेगा। कैसा कर्ड बनेगा? क्रिस्टलाइन कर्ड बनेगा, मतलब उसका बिल्कुल लेयर जो होगा बिल्कुल स्मूथ होगा और उसको डाइजेस्ट करना भी काफ़ी इजी होगा। डाइजेस्ट करना इजी क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर अब लाइपेज एंजाइम हम इनएक्टिवेट कर चुके थे हीट करने के मदद से। जब लाइपेज एंजाइम इनएक्टिवेट कर दिए तो अब वैसे भी कर्ड जो है किस में कन्वर्ट हो चुका है, सॉरी मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो कर्ड का जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होता है वो मिल्क के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है।
और पहला बात तो दूसरा बात तो ये कि जो मिल्क था, होमोजेनाइज्ड मिल्क था, उसका लाइपेज को हम इनएक्टिवेट कर चुके थे, तो उसमें लाइपेज ख़त्म हो चुका था। अब जो कर्ड बनेगा वो कर्ड क्रिस्टलाइन कर्ड बनेगा, यानी कि वो काफ़ी स्मूथ कर्ड बनेगा। कर्ड कैसा बनेगा? काफ़ी स्मूथ बनेगा और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगेगा। दूसरा ये बात हुआ, उसका एक बात और है कि ये वाइटियर अपीयरेंस की वजह से टी और जो कॉफ़ी हम बनाते हैं इसमें हमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन द सेंस कि काफ़ी वाइटियर होगा ये, तो देखने में जो एट्रैक्टिव लुक होगा, तो ये जो एट्रैक्टिव लुक होगा ये इससे मार्केट बनता है हमारा, तो इससे होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क जो है हमारे मार्केट को बढ़ाता है, मिल्क के मार्केट को बढ़ाता है। और यही तो हमें चाहिए था, वैसे का बेसिक प्रिंसिपल यही था कि हमको बेनिफिट मिले किसी तरह से। कॉफ़ी, टी, आइसक्रीम और क्या, कर्ड कॉफ़ी आइसक्रीम, इन चीज़ों में अभी क्या, आइसक्रीम भी अगर हम बनाएंगे तो चूंकि मिल्क होमोजेनाइज्ड हो चुका है, यानी सारे फैट ग्लोब्यूल्स एक साइज़ के हो चुके हैं, तो जो आइसक्रीम भी बनेगा वो काफ़ी स्मूथ आइसक्रीम बनेगा। अच्छा, दूसरा बात ये इसके फैट को अब सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, फैट सेपरेशन ईजी नहीं होता है, तो फैट को सेपरेट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है होमोजेनाइज्ड मिल्क के। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। होप अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द कोर्स प्लीज़ रिकमेंड दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।